फ्रैंकलिन भैया, इतनी रात को इस खूंखार रास्ते से जाने का क्या मतलब है? आपको पता है ना, इस रास्ते में ढेर सारी चुड़ैले निकलती है और कभी कभी तो मॉन्स्टर भी निकल आते हैं। सिंचन, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। और तुझे पता है ना, हम लोगों को जल्दी से घर पहुंचना है। अपने को तो शॉर्टकट लेना ही होगा और एकमात्र यही रास्ता है जो हम लोगों को जल्दी से घर पहुंचा देगा। फ्रैंकलिन भैया, घर पहुंचने के चक्कर में कहीं हम लोग ऊपर ना पहुंच जाएंगे? आप एक काम करो, प्लीज पीछे वाले रास्ते से ले लो, मुझे इस रास्ते में नहीं जाना है। अरे सिंचन, कुछ भी नहीं होगा, बस तू मेरे साथ चलना, मैं हूँ ना। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, मुझे नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, अगर तुझे नहीं जाना तो एक काम करता हूँ, मैं तुझे यहीं उतार देता हूँ और मैं इसी रास्ते से घर चला जाता हूँ। अरे यार, ये तो मैं काफी ज्यादा बुरा फंस चुका हूँ। अरे बाप रे, इतने देर में इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। फ्रैंकलिन भैया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो। सिंचन देख, सामने लाइट बढ़ रही है, अपन लोग जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। देख, ज्यादा दूर भी नहीं अपना घर, इतना दूर तो हम लोग आ ही चुके हैं। थोड़ी दूर में क्या रखा है और कहाँ कोई मॉन्स्टर दिख रहा है? मेरे को तो एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। एक मिनट, सामने क्या पे यार, ये क्या हम लोग टकराने वाले हैं? फ्रैंकलिन भैया, ये क्या था? सामने तो कोई भी ट्रेन नहीं थी, फिर ये अचानक से कहाँ से आ गई? एक मिनट फ्रैंकलिन भैया, ये देखो, ये तो वही भूतिया थॉमस ट्रेन है। अरे हाँ सिंचन, पर ये तो वापस चली गई थी यार, ये यहाँ पर वापस कैसे आ गई? अपने को पता लगाना पड़ेगा सिंचन, अगर थॉमस ट्रेन फिर से लॉस सैंटोस में आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। चल अपन लोग चल के देखते हैं ये थॉमस ट्रेन कहाँ जा रही है। अरे पागल हो गए हो क्या फ्रैंकलिन भैया, छोड़ो थॉमस ट्रेन को, कहीं वो हमारे पीछे पड़ गई तो हम लोग मारे जाएंगे। चलो चलो घर चलते अपन लोग। हाँ यार सिंचन, तू सही बोल रहा है यार, पिछली बार जब वो मेरे पीछे पड़ा था बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। चल यार, इसको छोड़ते अपन लोग सीधे निकलते हैं घर। इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ कि मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, कोई ना कोई मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ जाएगा। पर आप देखिए, मानते ही नहीं। देखो अब सामने आ गया ना एक मॉन्स्टर। चलो अच्छा है, देर से आया पर समझ तो आया। अब अगली बार से इस रास्ते से नहीं आना। अरे नहीं आऊंगा सिंचन, पागल हूँ क्या मैं कि दोबारा इस रास्ते से आऊंगा? ओनी गाइस, ये क्या है? फ्रैंकलिन भैया, ये तो अभी हम लोगों के आर पार गया था ना। सिंचन मेरे भाई, मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया, तो इंतजार किसका कर रहे हो? भगाओ भगाओ भगाओ, ये थॉमस ट्रेन काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है थॉमस ट्रेन ने हम लोगों को नाप लिया है। फ्रैंकलिन भैया, ये हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। फ्रैंकलिन भैया प्लीज मुझे बचा लो। अरे सिंचन, कुछ भी नहीं होगा, मैं गाड़ी स्पीड से भगा रहा हूँ, इसके आने से पहले अपन लोग इधर से निकल जाएंगे। चल यार, अब तो मैं इस रास्ते को ही छोड़ देता हूँ, ट्रैक से जाऊंगा नहीं, मैं सीधे रोड से जाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, रोड को नहीं छोड़ना। मुझे लगता है थॉमस ट्रेन रोड पर नहीं आ पाएगा, उसको चलने के लिए एक ट्रैक की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से सीधे अपने घर ले लो। हाँ सिंचन, मैं सीधे इधर से निकाल रहा हूँ, अब सीधे अपन लोग घर पे जाकर के ही रुकेंगे। सिंचन मेरे भाई, सामने देख, अबे यार ये तो नॉर्मल भी रोड पर भी आ गई। फ्रैंकलिन भैया, ये क्या हो रहा है? मैंने तो सुना था ये नॉर्मल रोड में नहीं आती है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई फ्रैंकलिन भैया, एक काम करो, इसको कुचल दो। अबे पागल हो गया सिंचन, मैं नहीं जाने वाला उधर से, मैं पीछे ले रहा हूँ अपनी कार और सीधे अपनी कार को लेके इधर से निकल जाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया, मैं तो बोलता हूँ हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है, मार दो इसे। ओ नहीं, ये क्या? फ्रैंकलिन भैया, हम लोग तो दोनों तरफ से गिर चुके हैं, यहाँ पर तो दो दो थॉमस ट्रेन है। सिंचन लगता है यार, मैंने उस ट्रैक में जाकर के बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। एक काम करते हैं, अपन लोग सीधे नीचे से होते हुए निकल जाते हैं, ये लोग घेरते रह जाएंगे, हम लोग सीधे अपने घर चले जाएंगे। भगाओ फ्रैंकलिन भैया, भगाओ भगाओ। गाइस, फ्रैंकलिन और सिंचन चारों तरफ से घिर चुके थे क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रात के 3 बजे इस ट्रैक पर उन लोगों को कार लेकर के नहीं आना चाहिए था क्योंकि रात के 3 बजे जो भी इस ट्रैक पे आता है उसके पीछे सारा का सारा थॉमस ट्रेन पड़ जाता है। और दोस्तों, अब यही हुआ है अपने फ्रैंकलिन और सिंचन के साथ में, क्योंकि ये लोग जिधर भी भागने की कोशिश करते थे वो थॉमस ट्रेन इनका पीछा करते हुए ठीक इनके सामने आ जाता था। इसके बाद किसी तरह जान बचाकर के सिंचन और फ्रैंकलिन अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। पर एक मिनट गाइस, इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि इन लोगों की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर तुम्हें जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो ये वीडियो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे फ्रैंकलिन भैया, कार का छोड़ो, अब जल्दी से घर के अंदर चलो, आपको कार की पड़ी है, मेरी यहाँ जान निकल रही है, वो थॉमस ट्रेन कितना खतरनाक था। अरे हाँ सिंचन, चल जल्दी से घर के अंदर चलते हैं अपन लोग। अबे सिंचन कहाँ गया? अभी तो वो मेरे पीछे था। सिंचन, अबे यार, अबे सिंचन यहाँ पर था भाई, अचानक से कहाँ गायब हो गया ये? फ्रैंकलिन भैया, मुझे बचा लो फ्रैंकलिन भैया,
भैया हूँ। ओए सिंचन किधर है तू? अबे यार ये क्या हो गया यार, अब मैं सिंचन को कहाँ से खोजूं? एक मिनट यार, ये आवाज तो मुझे ऐसी लग रही है ना छत के ऊपर से आ रही है। मुझे जल्दी से छत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मुझे पक्का पता है वो छत के ऊपर ही होगा। अरे भाई ये क्या, ये थॉमस ट्रेन मेरी छत के ऊपर क्या कर रहा है? अबे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फ्रैंकलिन भैया, इस थॉमस ट्रेन ने मुझे पकड़ लिया है, जल्दी आओ नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। सिंचन मेरे भाई तू डर नहीं, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। अबे यार ये क्या हो गया सिंचन, ये तो बुरा फंसा यार, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको बम से उड़ा देता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया पागल हो गए हो क्या? अगर आप इसको बम से उड़ाओगे तो मैं भी मारा जाऊंगा ना। सिंचन तू टेंशन ना ले मेरे भाई, मैं अच्छे से उड़ाऊंगा। इसको खत्म करने के अलावा हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है भाई सब। ये तो काफी ज्यादा आसान था, मैंने दो ही बाजूका मारा और ये थॉमस ट्रेन उलट गया। लगता है यार ये थॉमस ट्रेन एकदम कमजोर था। पहले वाले थॉमस ट्रेन तो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते थे कि भाई उनके मारते रहो और भाई उनको कुछ भी नहीं होता था। अबे सिंचन खड़ा हो जा, ये देख तेरे भाई ने थॉमस ट्रेन को हरा दिया। पर एक मिनट यार, ये सब क्या चीज है भाई? तीन तीन अंडे, पहले तो इनकी आग बुझाता हूँ। मुझे लगता है इन्हीं सबसे भाई उनको पावर मिलती होगी। हाँ फ्रैंकलिन भैया आपने सही समझा, इन सारे अंडों से ही थॉमस ट्रेन को पावर्स मिलती है। चलो इन अंडों को लेकर के अपन लोग घर चलते हैं। तो ठीक बोलता है सिंचन, इसको अपन लोग लेके घर पे चलते हैं और कल इसको टोनी के पास लेकर के जाऊंगा। उसके बाद पता लगेगा कि इस अंडे के अंदर आखिर है क्या चीज। चल यार सिंचन अब तू भी सो जा और भाई मेरे को भी सोने दे, काफी ज्यादा थक गया हूँ भाई। आज तो जाकर के बस सोऊंगा और भाई कल जब बताऊंगा ना सबको कि मैंने थॉमस ट्रेन को हराया तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अरे यार सुबह के 9 बज गए और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं अभी। और ये क्या भाई, यहाँ पर अंडे थे, अंडे कहाँ चला गया? यार ये सिंचन फिर से अंडे को कहीं पर लेकर के खेल रहा होगा, मुझे जल्दी से जाकर के देखना पड़ेगा, पता नहीं ये क्या कर रहा होगा। सिंचन तो किधर है? अबे यार सिंचन कहाँ चला गया? सिंचन, अबे भाई यहाँ पर हो क्या रहा है? चौप, अबे चौप तूने सिंचन को देखा क्या? ओए क्या बोल रहे हो फ्रैंकलिन जी? कौन सिंचन? मैं तो आपका सबसे अच्छा प्यारा कुत्ता हूँ, मेरे लिए दो हड्डी ला देना। फ्रैंकलिन जी, अबे चौप तेरे को बुखार उखार है क्या? और क्या तुझे पता नहीं है कि सिंचन कौन है? अबे यार इसकी तबीयत खराब है। एक मिनट सिंचन, ए चौप चौप। हाँ मेरे मालिक, मेरे सबसे बड़े मालिक, मेरे प्यारे मालिक, मेरे भगवान फ्रैंकलिन जी बताइए। अबे चौप पहले तो तू सिर्फ ये फ्रैंकलिन बोलना, मालिक वालिक नहीं बोलियो। और पहले ये बता कि तुझे सही में नहीं पता क्या कि सिंचन कहाँ चला गया? अबे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अचानक से मौसम कैसे चेंज हो गई भाई, पूरे ऊपर से उल्का भी गिर रही है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, चौप चेंज हो चुका है और सिंचन और उस अंडों का कुछ भी पता नहीं है। मेरे को तो लगता है यार मैं काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ, पता नहीं यार अब मैं क्या करूंगा।